ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? ਵੀ ਹੋਈ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਸੈਂਡੀ, ਮੈਂ ਰੂਪ। ਫਨ ਟੇਲਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। सो आज असी लड़ ले आपा हुण थोड़ा जा थोड़ी जी लड़ाई हो गई सी। सॉरी, हिंदी च बोलना सी आपा। अज असी नाले पहले दस तो देंगे हिंदी च। सो अज असी हुण करन लगे आ चैलेंज। क्या हुंदा चैलेंज? तो नहीं है, जस्ट ट्राई यार, कि 24 आवर जस्ट फॉर फन। असी ना 24 आवर हुण 24 तक नहीं 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 सिर्फ आ व्लॉग च, सिर्फ नी देर दा व्लॉग, नॉट 20। तू नहीं बोलना जनता नु करने लगे है अपने व्लॉग की। अभी इधर 4 बजने वाले हैं। अभी इधर 4 बजने वाले हैं और हम अभी इधर 4 बजने वाले हैं और हम शाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो रोटी पानी की होती है। खाने पीने की होती है, रोटी पानी की नहीं होती। एक ही मतलब हुआ इसका, डिनर की तैयारी शुरू हो जाएगी अभी। हाँ जी, तो हाँ जी हो गया। तो वो हिंदी में भी होता है। हाँ तो अभी हम वो शुरू करने लगे हैं। चलो, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ खा लूं। चलो जी। आपने खाने की बात की तो मेरे को भूख लगाई, बिठा दिया बेड़ा। चलो फिर, इससे पहले ही ऐसे ही हंस हंस के झल्ली हो जाए। मैं अपना काम शुरू कर दूं। वैसे तो मैं पिछले 3-4 घंटे से वेट कर रही हूँ कि ये तैयार होके हीरोइन जी आएंगी नहीं, और हम ब्लॉग शुरू करेंगे, लेकिन इसका चल ही खत्म ही नहीं हो रहा है। इसका पता नहीं इसने किसको दिखाना है इतना तैयार होके। देखो, जिसने इम्प्रेस होना उसने सड़े भूसे देख के ऐसे कैसे चल है। तो हमने आज बस हिंदी में बात करनी है, तो अब हम फ्रूट्स खाने की सोच रहे हैं। आप फ्रूट खाओगे? फ्रूट सारा खत्म हो गया, लाने वाला हो गया। आप दीदी तुसी किदा हो? सिर्फ कीवी रह गई है। कीवी सारा खत्म हो गया, लाने वाला हो गया। काम वाला लड़का। नहीं नहीं, उसकी हिंदी तो बहुत अच्छी है। हाँ जी, आई मीन हाँ, वो तो फिर घर पे भी हिंदी बोलते हैं ना, उनको पंजाबी नहीं आती। ओके चलो जी, ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे बाल्टी पड़ी उधर, वो पीले वाली। हाँ जी, की वाली, उसमें हमने आटे रलाने हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हेल्दी रोटी खानी है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि उनका वेट बढ़ गया, तो वो कहते हैं कि कणक खा खा के टिड निकल गया। तो वो कहते हैं कि कणक कणक वाली रोटी नहीं खानी। तो वो बोलते हैं कि कणक घट खानी है, वैसे रोज चौल खाते हैं। फुल ऑफ काम से चौल खाते हैं। आई मीन चावल ही आल चावल। राइस, चलो राइस। ओह माय गॉड, रोज राइस खाते हैं वैसे, उसमें भी मर मर काम होते हैं। अगर आपको हमारा ना अगर आपको हमारा आज का ये हिंदी वाला ब्लॉग सत्यानाश लगा, विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स में लिख देना कि ये सवाल अगली बार मत उठाना। वैसे तो हमें पता है सवाल उठनी है, बट हमने सोचा यार मेरे कुछ वजू आ गया, एक ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि कईयों ने हमको रिक्वेस्ट करी थी कि आप एकदम ब्लॉग में बनाओ, देखो ये हो जाता है। हम बहुत कोशिश करते हैं बनाने की, हमसे हमारा अपना ही हाथा रुकता। अखों से पानी आ गया, अखों से पानी आ गया, कहने लगी सी।
चलो फिर हम सब चलते हैं रसोई में। वी होप है ना, वी होप जो हमें रसोड़े में पंजाबी नहीं आती उनकी पंजाबी ऐसी हो जाती है। जब वो हिंदी हो जाती है, जब वो हिंदी में बात कर नहीं, जो हिंदी होते हैं वो पंजाबी में बात करते हैं फिर उनका ऐसे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें हिंदी बिल्कुल नहीं आती, हमने स्कूल में हिंदी पढ़ी है, स्कूल में हिंदी बोली भी है, बट जब हम बात करने की बात आती है ना, पंजाबी में आ जाते हैं। जब एक अद्धी लाइन पंजाबी हिंदी में बोलनी से डिफरेंट थिंग, लेकिन जब आपको लगातार हिंदी में बात करनी पड़ती है फिर थोड़ा सा औखा हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। और यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रखा है आजकल। देखो मेरे लिए तो अभी भी ठंडी है, इनके लिए ठंड है, मैं कह रही हूँ अब ठंड नहीं रही यहाँ पे, नहीं रही जो ठंड, मतलब बहुत खतरनाक ठंड होती है। हाँ उन्नी वो नहीं है, उतनी ठंड नहीं है, ऐसे मत कहो ठंडी, ऐसे मत कहो, बट कम हो गया ठंड पहले से, पर है अभी भी, मतलब वो वाली गर्मी नहीं आई जिसमें पंखे लाने पड़े, पंखे फैन लगाने पड़े कहने का, ये था मेरा। चलो फिर अभी आटे रलाने हैं, हाँ या अभी रलाने हैं, कब रलाने हैं, कब कौन था, अब कब, अब छोरे में कौन था, सैनी एंड्रू। चल यार क्या ये चाल पंथी करती रहती है, बस यार हंसना ब्लॉग देख के, हाँ, बस इसको फन की तरह, हमारा मेन मोटिव यही है कि हंसना है हमने, दैट्स इट। जिसको नहीं पसंद आएगा बैड, ऐसे नहीं बोलना बैड लक, फिर भी फन ले लो, लेकिन ब्लॉग में भी आगे से हिंदी में मत बनाना, ये सिर्फ उनके लिए स्पेशल चल सबके लिए ही बना दिया, कुछ नहीं होता, सबका मुका दिया। देखो लास्ट ब्लॉग में बोला था कि जो हमें क्वेश्चन आए हैं हम उसके आंसर देंगे, लेकिन आज का ब्लॉग हिंदी में हो गया, मेरे लिए मुश्किल है एक्सप्लेन करना, तो हम मैं सोच रहा हूं एक ब्लॉग ना क्वेश्चन आंसर्स का ही रख लेंगे, सबके आंसर्स एक ही ब्लॉग में दे। चलो फिर शाम की रोटी पानी यार कुछ खा लिया जाते हैं, पहले तो हम पानी पीवा, ये पहले कुछ खाने लगे थे फिर इन्होंने सोचा नहीं पहले पानी पी लो, पहले जगह बनाओ, पहले पानी डप लो। थोड़ी सी भूख लगी है तो हम सोच रहे हैं, वैसे तो यहाँ पे 4:45 हो गए हैं, बट हम सोच रहे हैं कि कुछ खा ले, तो फिर अब हम राजमा चावल खाने की सोच रहे हैं थोड़े से, कि गुजारा हो जाए, तो फिर राजमा चावल खाते हैं, आ जाओ फ्रेंड्स राजमा चावल खा लो, राइस कैंसल कैंसल कैंसल, तो अब हम सोच रहे हैं कि हम डोरिटोज खा ले, लगे हैं पापड़ खाने लगे हैं, और जो कि बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्यों ठीक चीज है, फ्राइड है और क्या, ये ठीक चीज है, पर बहन किधर गई, मैं चाय बनाने लगी हूँ, मैं पतीला लेके आई चाय वाला था, तो मेरे को दीदी ने फाइनली कन्विंस कर लिया है कि आज चल दूध वाली चाय पी ले, पानी वाली मत पी, है ना, अब हम दूध में पत्ती डालेंगे, मेरे को गैस हो जाती है पेट में इसलिए नहीं मैं पी पाती चाय, पर दोनों अधा कप पियेंगे बस, मैं भी अद्धा कप, तो फिर ये कहते कि अद्धा कप पी लेते हैं, तो फिर आज मैं चाय पी लेती हूँ, तो देखते हैं मेरे पेट में गैस होएगी क्या नहीं, दूध वाली चाय से कहते कम हो जाती है, अभी देखेंगे इसके पेट में ज्वालामुखी उठता है कि नहीं, शायद मेरे को लगता है मेरे उठ जाएगा देखना क्योंकि मैं एक ही बार पीती हूँ हाँ। फिर आप क्यों पंगा ले रहे हो, दिल कर रहा है नमकीन के साथ ना चाय पीने का, ओके ओके जैसे आप ठीक समझे मेम साहब, थोड़ा कट पाओ दीदी दूध में, थोड़ा कम डाले, जब दूध में पत्ती डालते हैं ना वो श्रिंक हो जाता है, मेरा दिमाग श्रिंक हो रहा है थोड़ी सी हिंदी में बात कर करके।
तो अभी हम चाय पियेंगे, भाई तुमने खा तो हमने बहुत कुछ लिया, बट हमने सोचा कि हम चाय भी पी लेते हैं। लेकिन ना वो जो होती है संतुष्टि बहुत सी नहीं हुई अभी, अभी हो रहा है थोड़ा सा कुछ और खा लूं। हमें वैसे पीना तो जूस चाहिए या कोई फ्रूट खाना चाहिए ये टाइम पे, बट दीदी कहते चाय ही है। कसमाड़ी सी पड़ गई कि चाय चाय है, तो फिर चाय की लुफ्त उठाएंगे अब हम। थोड़ी सी पी लेते हैं बस, थोड़ी सी ही बनाना प्लीज, पत्ती थोड़ी कम डालना, दूसरी डाल दो, आग लगाने वाली पत्ती मत डालना, दूसरी डाल दो। मैं सोच रही थी ग्रीन टी पी लूं, पर दीदी कहते ना वो स्वाद नहीं, आई मीन वो स्वाद नहीं आएगा ऐसे ना, फिर चुस्की नहीं बनती। मैं वैसे तो कहती रहती मैं वेट बढ़ाना वेट बढ़ाना, पीनिया इससे ग्रीन टी आए। तो मैंने सोचा एक दिन में थोड़ी कम हो जाएगा, एक दिन अगर मैंने ग्रीन टी पी भी ली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे टिड को। पानी पी ले गर्म, इससे अच्छा और क्या, गर्म पानी भी होता है वो भाई, जिनको ग्रीन टी अच्छी लगती है गलत मत समझना। आप पूरे मैंने खुद ने ग्रीन टी बहुत पी है, लेकिन मैं बहुत औखी पीती थी, मेरे को बहुत स्वाद से नहीं पीती ग्रीन टी। मैंने पीनी शुरू की थी जब मैं काम पे जाती थी, फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं बहुत पतली होने लगी हूँ। हाँ वो लास्ट फ्लोर में मैं बताना भूल गई थी कि वेट लूज किया था जब मैंने, तो मैंने ग्रीन टी भी पी थी थोड़ा चिर रात को सोने से पहले पी के सोती थी, और मैं लेमन वाटर वो पिया खाली पेट सुबह मॉर्निंग में, ल्यूक वार्म वाटर में लेमन स्क्वीज करके उसमें थोड़ा सा हनी डाल के वो पीती थी, स्वाद मुझे वो भी जमा नहीं लगता था। पर मैं पी लेती थी, मैं पी लेती थी, कईयों को बहुत स्वाद लगता है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है सुबह सुबह ना लेमन वाटर गर्म पानी, मेरे को सिर्फ पानी पसंद है बस, मैं वो भी गर्म नहीं पी सकती। हाँ, गर्म नहीं, ठीक ठीक टैप वाटर, टैप वाटर। हाँ, टैप पर मैंने वो ल्यूक वार्म वाला वाटर पिया और बस पिया वो पिया नहीं तो वो उल्टी हुई नहीं। हाँ वो मैं लास्ट ब्लॉग में बताना भूल गई थी कि ये कुछ भी किया था वेट लूज करने के लिए। और एक चीज और करी थी जो मैंने सिर्फ हफ्ता ही करी थी, मेरे को वो ठीक नहीं लगी, फिर मैंने वो छोड़ दी, और मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगी वो करने के लिए, वो जो विनेगर डाल के पीते हैं एप्पल साइडर विनेगर वो पागलपन भी मैंने शुरू किया था, जबकि मैं इतनी मोटी भी नहीं थी, मेरा सिर्फ हल्का सा ही पेट था, मुझे था इसको भी अंदर करना है। एप्पल साइडर, आपको पता है जब मैं एप्पल साइडर विनेगर पीती हूँ कहते हैं मेरी जब वो आप नहीं पता यार वो जो मुंह पे ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं, फोड़े नहीं होते वो, हाँ उसको पंजाबी में रुक के मार के सीधा अंदर गिरती थी, लेकिन मेरी हालत खराब कर दी थी उसने, तो मैंने उसको वीक से ज्यादा नहीं पिया। तो आप कैसे पीते थे एप्पल साइडर विनेगर? ल्यूक वार्म वाटर में डालते थी उसको 2 चम्मच, फिर ऐसे छुड़क के मार के पी लेती थी। ओके, क्या दांत खट्टे हो जाते थे आपके? अंदर ना होली जैसे हो जाते थे पी के, आतंक सा। खाली पेट पीती थी ना सुबह। ओके, सोती रही टिकटॉक पे, क्या वो लड़की है इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रही है दिल से बना बना के। मैंने भी उसको आगे से इतने इतने हाथ भेजे, बाद में क्या पता चला? पता चला खास दिन के बाद वो तो लड़का है। फिर हमने सारे कमेंट, फिर मेरे को बहुत बैड फील हुआ, मैंने 2-3 हार्ट डिलीट कर दिए। मैंने बोला मेरे हार्ट वापस दे, मेरे घर वाले के पास है ये तो। जस्ट जोक है ना, सन पता ऐसा हो जाता है ना, अभी नाम कई नाम ऐसे होते हैं पंजाबी, लड़की का भी होता है लड़के का भी होता है, मेरे को पता ही नहीं चला कि लड़का, उसने इतने अच्छे अच्छे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, क्योंकि वो कमेंट्स से भी नहीं लगता था। हाँ, और मैंने उसको आगे रिप्लाई किए, नहीं योर कमेंट्स मेड माय डे ऐसे लिखा मैंने। नहीं है तो वो बहुत अच्छे थे, है ना, ये दो भी थे, वो बहुत नाइस है, बहुत नाइस, हमेशा अच्छे से कमेंट्स बैड वे में नहीं, ऑलवेज गुड कमेंट्स किए हैं उसने टिकटॉक पे, उन्होंने टिकटॉक पे, आई गिव हिम रिस्पेक्ट।
उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा कमेंट किया टिकटॉक पे। लेकिन पता क्या होता है, हमें तो सारी दुनिया ही अच्छी लगती है, लेकिन कई बार ही काम खराब हो जाता है अच्छा अच्छा करते करते ना, और हमारे साथ मेरे साथ तो स्पेशली हो जाता है काम खराब, अगला बंदा ना गलत वे में ले जाता है चीजों को। तो अभी मैं बहुत ध्यान से कदम रखती हूँ फूक फूक के, दूध का फूका हुआ पानी भी फूक के पीता है, दूध का फूका हुआ ऐसे लगता है कहावत, ऐसे लगता है मेरे को तो। हाँ सो ऐसा हो जाता है हमारे साथ, हो जाए फिर ग्लासी ग्लासी चीयर्स, अब हम पियेंगे चाय बैठ के। ओ सॉरी हिंदी में बोलना था, खाओ। हम इसको कोली में डाल सकते थे, इतना बड़ा डब्बा ले आए आप, कोई बात नहीं घर में ही है, हम नहीं खानी है, लॉकडाउन में कोई नहीं आने लगा। तेरे करके मैं चिट्टी चाय पी रही हूँ, देख तेरे करके मैं चाय पी रही हूँ। नहीं नहीं मैं बोलना सी मुझे घर ज्यादा दूजी पत्ती नहीं हिंदी, घर में घर वाले तो घर वाले में पत्ती डाल के पीते हैं, ये उनका कलर होता है वैसे। हाँ वो पानी वाली चाय, पर मेरे लिए दूध में पत्ती जैसे दो चार दाने पत्ती के, जैसे दो चार छोटा पिंच, हाँ बस ऐसे छुआना है, हाँ जी ऐसे ही वैसे पीते, जैसे दूध चाय नहीं पीते होते थे हम छोटे होते, दूध ही पी ले कर दूध पी सकती थी, हाँ पी लेती फिर बस कुछ पीती बैठ के साथ। चलो ठीक है, देखो जी चाय तो बहुत स्वाद थी, अब असली स्वाद मेरे को 3-4 घंटे में पता चल जाएगा। मेरे को भी। अगर तो मैं बैठगी फिर तो बहुत अच्छी तरह पता चलेगा, अगर टूटती फिरती रही, मैं टूटती फिरती रही तो फिर थोड़ा ठीक रहेगा। चल फिर लगा 2-4 राउंड। चलो फिर टिकटॉक बना लेते हैं डांस वाला ना कोई। मेरे ख्याल से ना अब हमें डक्का तोड़ लेना चाहिए, अब हम आटा मिक्स कर आटा मिक्स कर लें। Hope. यार हमको बहुत सारे मैसेजेस आए पिछली बार ना कमेंट्स में कि वी मिस्ड यू, हमने भी बहुत मिस किया था, ऐसी बात नहीं है हम आपको सच्ची बोल रहे हैं, हम भी बहुत मिस करते हैं, हमें भी बहुत हो रहा था कि हम कब व्लॉग बनाए, हम कब व्लॉग बनाए, मर जाना शरीर ही नहीं उठा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें इतना प्यार करते हैं थैंक यू सो मच और आप हमें इतना प्यार करते और हमें ना सब्सक्राइबर मारे अभी 10,000 भी नहीं हुए। दूसरी बात बहुत लोगों ने पूछा ना कि सैंडी आप अपनी मैरिज की वीडियो दिखाओ, हाँ तो वो हमने ब्लॉग बनाया हुआ है, वो हमने ऑलरेडी ब्लॉग बनाया, वो हम इस बार ना लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन वो ब्लॉग, हाँ जो मेरी शादी का ब्लॉग है उसका नाम है पुरानियां यादा, और जो जिस ब्लॉग में मैंने अपनी लव स्टोरी शेयर किया हमने उस ब्लॉग का नाम है आजो गल्ला करिए प्यार दिया, हाँ जी सॉरी बोल दिया, उस ब्लॉग का नाम है आजो गल्ला करिए प्यार दिया, और दोनों व्लॉग्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। हाँ जी तो हमने है ना ये सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है वो सारी वीडियोस, आप जरूर देखना आपको बहुत अच्छी लगेंगी वो वाली वीडियोस ना, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज टू सब्सक्राइब, और जो पहली बार ये हमारी वीडियो देख रहे हैं है ना वैसे तो है ना हिंदी वाले तक देख ही रहे हो, हाँ लाहा ले लो तो फिर आप प्लीज हमारी ऐसी छोटी छोटी हरकतों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ ना ऐसे मत करें, ये हम किसी को कॉपी कर रहे थे, जस्ट इग्नोर तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। हाँ जी और सारे जने बताना हमारी हिंदी कैसे लगी, इतनी भी बुरी नहीं है ना वैसे है ना, ठीक है। अभी को लग रहा होगा ना ओवर एक्टिंग की दुकान दोनों कर देंगे। मुंह मेरा आया हो गया क्या। तो
दो जिनको भी। ऐसे नहीं है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये जो हमने आटे मिक्स करने हैं रोटी बनाने के लिए, उसके लिए कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं और कॉर्नफ्लेक्स को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मैं। तो ड्राई रोस्ट करके इसको ग्राइंड करके फिर बाकी आटे में मिक्स करेंगे। तो फिर हम आपको बताते हैं कि हम कौन कौन सा आटा मिक्स करने लगे हैं। और हाँ, जब मैंने वेट लूज किया था मैंने ये वाली रोटी खाई थी इंस्टेड ऑफ कनक की रोटी। कनक हुंदा यार हिंदी की हुंदा? गेहूं। That's the right word. तो हमने गेहूं दीदी ने नहीं गई हूँ मतलब बहुत टाइम तक दीदी ने गेहूं की रोटी खाई नहीं खाई और नहीं खाई। इसके अंदर भी कनक का आटा मिक्स करेंगे लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में करेंगे। मुझको लगता है पैन छोटा है और ओट्स ज्यादा है। नहीं, ये ना थोड़े से अब नीचे बैठ जाएंगे रोस्ट होकर जब। ड्राई रोस्ट करके इसमें निकाल लिए हैं। बी केयरफुल कि ये फूके ना। ये बस थोड़े से हल्के से लाइट ब्राउन जो करना है, हल्का सा लो रोस्ट करना है बस। अभी ये ठंडा हो जाए फिर इसको ग्राइंड आपको ना रोस्ट कर दे। हम तो हो ही रहे हैं आज रोस्ट। हमारी घी वाली बाल्टी। एक मिनट, सॉरी बाल्टी ये हमारी दही वाली बाल्टी, दही नहीं घी वाली बाल्टी खाली हुई थी। इसको अच्छी तरह से मांझ लिया, धो लिया, धूप में सुखा लिया। अब इसमें हम आटे मिक्स करेंगे। ये सारे ओट्स का क्या करना है? ग्राइंड करना है, ठंडे हो जाए। सीजन वाली यार हिंदी में बात करनी। इट्स सो दिखाई क्यों बच रहा है यार? बच गया। कोई नहीं, तू क्या थे? वर्क इंजरी। ओके, इसमें डाल रही हूँ काले चने का आटा विद स्किन है ये। विद स्किन छिलके तो बिना भी हुंदा ना? छिलके के बिना है, छिलके के साथ है ये। छिलके के साथ है स्किन छिलका। अच्छा, विद स्किन ये डालेंगे इसके अंदर। मेकअप तो नहीं करना आपने? इतना पाउडर देखो नेचुरल। अब इसमें डालेंगे मूंग दाल का आटा। ये मूंग दाल का आटा पिछली बार रूपी भी आ गया तो आप भी दे दो खा खा के। अभी रोटी जो स्टार्टिंग करना मनु बढ़िया, मतलब मेरे को बढ़िया नहीं लगी थी इतनी। हर रोज खा के हो जाता है। हाँ जी, ऐसे ना ऐसे लगता है कि आप क्या बासी रोटी खा रहे हो जैसे। बट ये काफी अच्छी है। ये सोया का आटा और इस सबको मिक्स करेंगे इसके साथ। करती हूँ अभी इसके अंदर मैं कनक का आटा नहीं डाल रही। मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी उनको जितना डालना है डाले, नहीं तो वो फर्स्ट क्रिएट करेंगे आटा कट पाना सी। अभी ठंडा नहीं हुआ, ये ठंडा हो जाए ना फिर इसको ग्राइंड करते हैं। अब हम क्योंकि अभी हमने इसमें कनक का आटा डालना है, गेहूं का आटा, यू नो। रूपी आटो आटी हो गई है इसके अंदर। गंदे बच्चे की निशानी है। ये देखो ये क्या किया है इन्होंने, हाथ अपने कपड़ों के साथ साफ कर लिए। ये धोकर भी साफ हो जा सकते थे दीदी, बट नहीं हम कुछ नहीं हुआ। बट हम बहुत ज्यादा लेजी हैं तो हमने नहीं किए, तो हमने हाथ कपड़ों के साथ ही साफ कर लिए। आज बनाऊं क्या मैं शाम को? ये रोटी बनानी तो है, सब्जी रोटी सूखी नहीं खानी। सब्जी मैं ओट्स ग्राइंड कर रही थी अंदर आटे में मिक्स करने के लिए। थोड़ा मैं ओट्स ग्राइंड करके बाहर आई और मैंने देखा इधर फोटो शूट चल रहा है। आइए आपको भी दिखाएं। सही आ रही है ना? लाइट सही है। ये और ये देखो फोटोग्राफर क्लिक स्माइल कर रही है मैं। बस हूं
कि आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग हिंदी वाला हमारी हिंदी हमारी प्यारी सी हिंदी ऑडियंस के लिए भी और पंजाबी ऑडियंस के लिए भी दोनों के लिए। पर मुझे नहीं लगता हम दोबारा हिंदी में बनाए क्योंकि अब हम बहुत थक गए हिंदी बोल बोल के। सो मिलते हैं जे हुन तुहानू नेक्स्ट वीडियो ए सीगा साडा अज दा छोटा जिहा व्लॉग। ते जिन्ने रिक्वेस्ट कीती सीगी व्याह वाला व्लॉग देखण दी मेरे ते लव स्टोरी वाला असीं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पा दांगे तुसी क्लिक करके वो देख सकते हो। हाँ जी थैंक यू सो मच। ओके जी जिन्ना साडा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब। हाँ जी जल्दी साढ़े यार एटलीस्ट 10,000 एटलीस्ट 10 के तो होना ना सी प्लीज 10K तो होने चाहिए ना इस मंथ दे विच विच जे हो जावे तो बहुत वधिया। ते बाकी अपना प्यार दंदे रहो ते साडी वीडियोज नू लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय सारिया नू सत श्री अकाल।